हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। MP CPCD का फॉर्म आ चुका है। जो भी कैंडिडेट हैं जो MP पटवारी ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आप पहले से ही CPCD की पूरी कर लीजिए क्योंकि अभी पटवारी की वैकेंसी नहीं आई, उससे पहले आपको समय मिल रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कर और इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। देखो इसका नोटिफिकेशन तरफ चलते हैं। MP CPCD आप गूगल पर सर्च करना, सर्च करते ही ऊपर ऊपर आएगा MP.gov.in जो आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर है MP CPCD गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पूरा दे रखा है प्रश्न पत्र वगैरह। MP CPCD पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यह ऑफिशियल साइट आ गई है। और कंप्यूटर CPCD का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट CPCD, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाता है। MP पटवारी ग्रुप 1 ग्रुप 2 और बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस हैं उसमें ज़रूरत होती है इसकी, नेसेसरी। जो 2017 में जो CPCD अनिवार्य थी, 2 साल बाद जो पटवारी बन चुके थे उनको 2 साल के अंदर करना था। और अभी भी बहुत सारे लड़के करके बैठे हैं MP, वो CPCD स्कॉट वैलिड है, 7 ईयर के लिए आपका 7 में वैलिड है। और इसका बहुत फ़ायदा मिलता है आपका, जो भी आप किसी स्कूल में जाते हो वगैरह, किसी भी आप जिसी फील्ड में हो CPCD कर रखा तो आपको बहुत प्रायोरिटी मिलती है वहाँ पर, क्योंकि CPCD बहुत ही जटिल एग्ज़ाम हो गई अभी और बहुत कम कैंडिडेट निकाल पाते हैं। मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी 2-3 बच्चे निकाल पाए, बहुत कम कैंडिडेट मिलेंगे आपको CPCD में। 100 में से कोई एक मिल जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। और इसका नोटिस बोर्ड में एप्लीकेशन आर ओपन फॉर CPCD शेड्यूल ऑन 29 जुलाई 2022, 30 जुलाई और 31 जुलाई 2022 को आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। लास्ट डेट है सबमिशन फ्रेश एप्लीकेशन 10 जुलाई। आप इस फॉर्म को 10 जुलाई से पहले आपको भरना रहेगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आपके सामने है इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन स्टार्ट 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 2 जुलाई होगी, बाकी 8 दिन बचे हैं, तो फटाफट भर लेना फॉर्म। और इसका लास्ट इस महीने के अंत में एग्ज़ाम हो जाएगा, 1 महीने के अंदर, मतलब लास्ट 3 दिन चलेगा। एप्लीकेशन एंड डेट, जो एप्लीकेशन आपका लास्ट डेट है 10 जुलाई है, एग्ज़ाम डेट है आपका 29 जुलाई, 29, 30 और आपका 31 जुलाई, जो इस महीने का लास्ट 3 डेज है, लास्ट 3 डेज है उस टाइम। और स्कोर कार्ड इज़ नाउ अवेलेबल हो जाएगा, ये तो आपका जल्द हो जाएगा। ठीक है, और आप किस फॉर्म भर सकते हो आप देखिए, देखो यहाँ पर यूज़र आईडी वगैरह, आप जहाँ तक हो किसी MP ऑनलाइन के शॉप पर जाके, आप ऑनलाइन पर जाकर ही आप इस फॉर्म को सबमिट करवाना, क्योंकि आपसे गलती हो गई तो रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, क्योंकि रिजेक्ट होने के फॉर्म के ज़्यादा चांसेस होने लगे। SSC वगैरह, UPSC वगैरह जो भी MP PAP रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये MP CPCD का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन्हीं के लिए जो MP पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, उससे आपको अनुभव होगा। अभी MP में कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम है, ग्रुप 2 में जो एग्ज़ाम है अगस्त में, बस वो है। अभी तक MP PAP की साइड पर कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना MP PSC है, कुछ नहीं है। तो आप हो सके तो इस एग्ज़ाम को जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप जो फर्स्ट कैंडिडेट है, जो फर्स्ट बार बैठ रहे हैं, जो सोच रहे हैं हम पटवारी तैयारी करें, वो भी देते रहिए। अभी पास हो जाए 7 साल के लिए मान्य हो जाएगा आपका, 5 साल और 2 साल 7 साल के मान्य हो जाएगा आपका, है ना। और अच्छी तैयारी कीजिए, CPCD आपने तैयारी कर ली तो आपका जो पटवारी का कंप्यूटर का जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। MPSR में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।